आइए हम दिखाते हैं ये लड़की की खुराफात। देखो देखो ये लड़की ने पूरे घर को बेवकूफ बना के रखा है। हाँ आए? पर बहुरिया बिचारी तो काम कर रही है। ये बहुरिया नहीं है, बहुरिया का पुतला है। आए? क्या कह रही है? विश्वास नहीं होता, अभी दिखाते हैं। ये देखो की है? कौन से नशे में रहती है वो? ये टीवी सीरियल देखने का असर है बड़ी दादी, आजकल बुआ कुछ ज्यादा ही टीवी सीरियल देख रही है। अरे नहीं राम जी की कसम, अभी तो दो मिनट पहले हम आए थे, पुतला थी पुतला हम कह रहे हैं। मिसरी का पुतला भी ना तुझसे ज्यादा बुद्धिमान होएगा, मूर्ख कहेगी। अम्मा देखो ना। तो चुप रहे यशोदा, हम बात करते हैं इससे। इतनी देर से आवाज लगा रहे हैं, तुझे सुनाई नहीं देता? सॉरी दादी माँ, वो काम कर रहे थे तो ध्यान नहीं था। झूठ बोलने और घर तोड़ने के अलावा तेरी माँ ने तुझे सिखाया ही क्या होगा? ओहो, हम तो भूल ही गए थे कि तू तो अनाथ है, इसीलिए ऐसी है ना? माँ कैसी बातें कर रही हैं आप? देखो पुनी, बहुत हो गया, बस बहुत हो गया। बिल्कुल सही कह रही है जीजी, वाकई बहुत हो गया। इसलिए इस लड़की को इस घर से जाना होगा। ऐसा अलग मत कीजिए माँ, क्या कह रही हैं आप? दादी माँ आप प्लीज ऐसे मत कीजिए। ना तेरी सुनने का सब्र है और ना ही अपनी कहने का मन। तीन इस घर में पूरे हो गए हैं, चल निकल यहाँ से। दादी माँ दादी निकल, जब तेरी माँ तुझे कुंडी के पीछे छोड़ गई तब तेरा ध्यान रख के। अरे तुमको तो क्या, पानी सारा पानी ये कहाँ से? जीजी, जीजी विद्या, जी 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 ये विद्या पुनी, विद्या की तस्वीर, ये मिश्री मिश्री रहती है। आज भी अर्जुन ये पानी पीने वाला था, पता नहीं किस मनुष्य का फोन आ गया और उसने पानी नहीं पिया। ये कहां से आ गई? बेटी भगवान के लिए बस एक बार मेरे साथ चलो, तुम्हारी माँ अंतिम सांसें गिन रही है। ये मेरी माँ जब देखो तब अंतिम सांसें ही क्यों गिन रही होती है? मैथ्स के टीचर है क्या? उसे बोलो जल्दी से अपने ऊपर का टिकट कटाए और जाए। बेटी सुन तो, इस
उसे भी बताती हूँ। आप इतनी देर से रो रही हैं, गला सूख गया होगा ना? ये लीजिए, पानी पीजिए और मेरा पीछा छोड़ दो। बाय। सुन, नानी, ये सब क्या है? ये तेरी माँ के आंसू है बेटा। इस घर के लोगों ने इस लड़की की वजह से तुझ पे जो अन्याय किए है ना, उस वजह से तेरी मां रो रही है बेटा। ये क्या ड्रामा है? अच्छे खासे घर का तालाब बना दिया, मैं अंदर नहीं जाने वाली। जीते जी जिसकी आंखों में हमने आंसू तक नहीं आने दिए, आज इसकी वजह से उसकी आत्मा तक रो रही। हम तुझे कभी माफ नहीं करेंगे मिश्री, कभी नहीं। अनु, अनु, बेचारी अपनी मां की आंखों में आंसू तक नहीं देख पाई, इसलिए चली गई यहां से। अब तो खुश है ना तू? यही चाहती थी ना? हम तो बस इतना चाहते हैं कि आप रोना बंद कर दे। देखिए, हम भी रोने लग गए। अब तो बस कीजिए। आपकी रोने की वजह तो हम नहीं जानते, पर खुद को चुप कराने का तरीका आप जानते हैं। बचपन में जब भी हमें मम्मी की बहुत याद आती थी, हम एक लोरी गाते थे। किससे सुनी, कब सुनी, कुछ पता नहीं। हमारी मम्मी की हमारे पास कोई भी यादें नहीं है। अरे लोरी बचपन से हमारे मन में, आज भी वही गा देते हैं। के देखा देखी में हम रोने लग गए। शायद हमारी देखा देखी में आप रोना बंद कर दे। सो जा ओ परी रे, मीठी मीठी निंदिया।
ये लोरी तो विद्या अनु के लिए गाया करती थी ना। हाँ जी जी, मुश्किलों का सामना करना मिश्री बैंड ने कर दिया अर्जुन, लेकिन आज तो हम क्या पे देख रहे हैं, उम्मीद दम तोड़ती नजर आ रही है। तुम मेरी तरफ देखो, मैं वादा करता हूं तुमसे कि तुम्हारी हर दम तोड़ती हुई उम्मीद में जान डाल दूंगा। मैं वादा करता हूं तुमसे कि मैं तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स से जरूर मिलवाऊंगा। फिर तुम्हारे आवाज तक ने विद्या बुआ के आंसू रोक दिए थे, क्योंकि तुम सच्ची हो, प्यारी हो और अपनी मम्मी की बेटी हो। और मम्मी अपनी बेटी के साथ गलत थोड़ी ना कर सकती है, राइट? मिश्री अनु ने वो संदूक का सामान क्यों चलाया? वो क्यों चाहती थी तुम अपने पेरेंट्स से ना मिल पाओ? विद्या बुआ के फोटो से आंसू बह गए, फिर भी वो क्यों चली है? तुम्हारे पेरेंट्स कौन है सवाल बहुत है, मुश्किल है, लेकिन अब हम दोनों साथ हैं मिश्री, और साथ मिलकर जवाब ढूंढ लेंगे। फिर अभी बहुत ज्यादा देर हो गई, लेट्स गो। अर्जुन, हम दरवाजा बंद करके आते हैं। ठीक है। से चोटी का दम लगा लिया, फिर भी तुम मुझे इस घर से दूर नहीं रख पाए। आज तो हम तुझे घर के बाहर पीट पीट के खदेड़ देंगे। चल निकल। मिश्री, तेरी इतनी हिम्मत कि तू हमारे अनु को झाड़ू से मारे, उसे घर से निकलने का कहे?
क्या बात है बेटा? मेरे पीछे से मेरे रूम में कौन आया था? मैं कुछ पूछ रही हूँ। बेटा तुम्हारे रूम में मैं आया था? क्यों? आपको मुझ पे भरोसा नहीं था या मेरे रूम की तलाशी लेनी थी? नहीं बेटा, मैं तो बस यहाँ। एक बात अच्छे से समझ लीजिए, मेरे सामान को मेरी परमिशन के बिना कोई छुए, ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आगे से अगर आए तो पूछ कर आइएगा, वरना मुझे मेरा कमरा लॉक करके जाना पड़ेगा। गाना नहीं गा रही हूं मैं, मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। गलती की है, माफी मांगिए और जाइए। मुझे माफ कर देना। मिश्री ने आज तक मुझसे इस तरह से बात नहीं की। क्या हो गया मुझे? मैं मिश्री की बराबरी अपनी बेटी से क्यों कर रहा हूं? आखिर मैंने उससे ये बात छुपाई क्यों कि उसके कमरे में मैं नहीं बल्कि मिश्री आई थी? क्यों मैं मिश्री को अपनी बेटी से बचाने की कोशिश कर रहा हूं? वो तो अजनबी है, पर पता नहीं क्यों अपनी से लगती है। मुझे लगा मेरी बेटी है। हमें भी लगा जैसे हमारे पापा है। अब ना बुड्ढा मेरा सामान छूने की हिम्मत करेगा, ना कभी किसी को पता चलेगा कि असली अनु मैं नहीं मिश्री है, क्योंकि सारे सबूत तो मेरे ही पास है। बस अब वो बुढ़िया भी जल्दी मर मरा जाए, फिर मेरा झूठ फॉरएवर के लिए सेफ है। डॉक्टर साहब, आंटी जी कैसी हैं? उनकी बॉडी में इतनी बेहोशी की दवा मिली है, उससे कोई भी कोमा में जा सकता है। पर ये अच्छा हुआ आप लोग समय पे उन्हें यहाँ पे ले आए। अब घबराने की कोई बात नहीं है, कल शाम तक उनको होश आ जाएगा। आप चाहो तो कल आकर मिल सकते हो। थैंक यू डॉक्टर। अर्जुन, वो दवाई इन आंटी जी ने खुद ली होगी, और वो हमारे घर क्यों आई थी? अब पता नहीं कितने टाइम से बेचारी बेहोश पड़ी थी, कोई इन्हें ढूंढने तक नहीं आया। अकेला होना इस दुनिया की सबसे बड़ी सजा है। मिश्री, ना ही तुम अकेली हो ना ही ये आंटी। भंडारे वाले दिन तुमने इसी आंटी को बॉम्ब से बचाया था ना? और जब हमने इन्हें पूछा था कि वो यहाँ किसको जानती है, उन्होंने अनु की तरफ इशारा किया था, पर उस दिन अनु ने इन्हें कुछ बोलने नहीं दिया था। आंटी जी, प्रिया के साथ आपका क्या रिश्ता है? ये मेरी, ओए, धमाके ने दिमाग खराब कर दिया है क्या? मिश्री, जब इन्हें होश आएगा तब हम इनसे पूछेंगे कि ये अनु को जानती कैसी है। इनके साथ कोई नहीं है मम्मी, प्लीज इनका साथ दे देना, प्लीज इन्हें जल्दी ठीक कर देना। डीजी को होश आने पर हम इन्हें ये खाना खिला देंगे, वो और भी जल्दी ठीक हो जाएंगे। ये क्या हो रहा है? मैं आ गई। मैंने एड़ी से चोटी का दम लगा लिया, फिर भी तू मुझे इस घर से दूर नहीं रख पाई। क्या कर रही है? आज तो हम तुझे घर के बाहर पीट पीट के खदेड़ ही देंगे। चल निकल। मिश्री, तेरी इतनी हिम्मत कि तू हमारे अनु को झाड़ू से मारे, उसे घर से निकलने को कहे?
फातिमा वो हम खाना तो बन चुका है। कल्पना ने अर्जुन का टिफिन भी पैक कर दिया, फिर ये किसके लिए? वो हम मेरे लिए दादी, आजकल मुझे शाम को भी भूख लग जाती है, इसलिए मिश्री मेरे लिए थोड़ा एक्स्ट्रा खाना बना रही है। प्लीज मिश्री जरा जल्दी करो, मुझे निकलना। अर्जुन आज तो बाहर से खाना मंगवा लेना, मिश्री को काम है। क्या काम है? शाम को हम अनु के लिए पार्टी दे रहे हैं, उसी की तैयारी करनी है। अनु इस घर में वापस नहीं आएगी। रहने के लिए नहीं आ रही है बेटा, सिर्फ पार्टी के लिए आ रही है, और उसी पार्टी की तैयारी मिश्री को करनी है। हरगिज़ नहीं, घर की पार्टी है अर्जुन, और घर की बहू उस पार्टी की तैयारी करके अपना फर्ज नहीं निभाएगी। निभाएंगे, हम आपको शिकायत का कोई भी मौका नहीं देंगे दादी माँ। हमें हॉस्पिटल जाना था रमेंद्र। हाँ अर्जुन, लेकिन हम दादी माँ को मना थोड़ी कर सकते थे। अगर तुम पार्टी की तैयारियों में बिजी रहोगी तो हम हॉस्पिटल कैसे जाएंगे? से चोटी का दम लगा लिया, फिर भी तुम मुझे इस घर से दूर नहीं रख पाई। क्या कर रही है? आज तो हम तुझे घर के बाहर पीट पीट के खदेड़ ही देंगे। चल निकल। मिश्री, तेरी इतनी हिम्मत कि तू हमारे अनु को झाड़ू से मारे, उसे घर से निकलने को कहे? मैं आ गई, तूने एड़ी से चोटी का दम लगा लिया, फिर भी तुम मुझे इस घर से दूर नहीं रख पाई। क्या कर रही है? आज तो हम तुझे घर के बाहर पीट पीट के खदेड़ ही देंगे। चल निकल। मिश्री, तेरी इतनी हिम्मत कि तू हमारे अनु को झाड़ू से मारे, उसे घर से निकलने को कहे?